गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम पुनः वायुदाब के ही टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। वायुदाब का ये दूसरा भाग है। पहले भाग के अंदर हमने जाना कि वायुदाब क्या होता है और वायुदाब की जो इकाई है वो मिलीबार होती है। साथ ही हमने ये भी देखा कि वायुदाब को जो मापने का यंत्र है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर दो प्रकार के होते हैं, ओटिंस बैरोमीटर और एनेरॉयड बैरोमीटर। उसके साथ हमने ये भी समझा कि जो वायुदाब के जो धरातल के ऊपर वितरण है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। पेटियों में वायुदाब की पेटियां हमारे को धरातल के ऊपर देखने को मिलती हैं कि ध्रुवीय पेटी, उसके बाद हमें उपध्रुवीय पेटी, भूमध्य सागरीय पेटी, इस तरीके से सारी पेटियों के बारे में हमने अध्ययन किया कि इनमें से कौन सी ताप जनित है और कौन सी गति जनित पेटी है। इन चीज़ों का हमने अध्ययन किया। आज के जो अध्ययन है हम उसमें आगे वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे कि वायुदाब में जो वितरण होता है और वायुदाब का जो सूर्य की वजह से स्थानांतरण होता है पेटियों का वो किस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में कैसे होता है, दक्षिणी गोलार्ध में किस तरीके से होता है। साथ ही वायुदाब का जो वितरण है वो क्षैतिज रूप से धरातल के ऊपर किस प्रकार से देखने को मिलता है। वायु दाब की जो हम रेखाओं को अगर अगर बनाते हैं, सम दाब रेखाएं कहते हैं जिनको, या आइसोबार्स कहते हैं, वो किस तरीके से देखने को मिलती हैं, वो सब चीज़ें हम आज के इस व्याख्यान में जानेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। वायुदाब और पवन पेटियों का स्थानांतरण। ग्लोब पर वायुदाब की पेटियों का वितरण वर्ष पर्यंत एक जैसा नहीं रहता है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने से सूर्य तप की प्राप्ति में अंतर तथा स्थल एवं जल की प्रकृति में भिन्नता के कारण वायुदाब की पेटियों के विस्तार में परिवर्तन होते रहते हैं। इसे ही वायुदाब की पेटियों का खिसकना या स्थानांतरण कहते हैं। गर्मियों में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो पेटियां 5 डिग्री के आसपास उत्तर की ओर, एवं सर्दियों में जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में सीधा चमकता है तो पेटियां लगभग 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। इनकी सामान्य स्थिति सिर्फ 21 मार्च और 21 सितंबर के आसपास ही रहती है, जबकि सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। अर्थात विषुवत रेखीय पेटी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के स्थान पर 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य ऋतु के अनुसार उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाती है। इसी भांति उपोष्ण पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री के स्थान पर 30 से 40 डिग्री के मध्य पाई जाती है। उपध्रुवीय पेटी भी इसी भांति ध्रुवों की ओर खिसक जाती है। इसका अंतिम प्रभाव ध्रुवीय प्रदेशों पर, विशेषकर उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में स्पष्ट दिखाई देता है। ग्रीष्म काल में उत्तरी ध्रुवीय पेटी बहुत संकरी हो जाती है। सर्दियों में जब उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों पर कठोर सर्दी के प्रभाव से ध्रुवीय निम्न भार की पेटी का स्थान उच्च भार की पेटी ले लेती है, तब वहाँ अयनवृत्तीय एवं ध्रुवीय दोनों उच्च भार की पेटियाँ आपस में मिल जाती हैं। अतः जहाँ उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय विस्तार मध्य अक्षांशों में सबसे अधिक रहने में से ऋतुवार वायुदाब में विशेष विसंगतिपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड के संकरे होते जाने पर महासागरीय विस्तार मध्य अक्षांशों में विशेष महत्वपूर्ण होने से वायुदाब की पेटियों में सामान्य वितरण स्वरूप में कम विचलन पाया जाता है। किंतु यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप के बर्फीले प्रभाव से ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी वर्ष भर प्रबल बनी रहती है। इसी के प्रभाव से सर्दियों में उपध्रुवीय निम्न भार की पेटी भी विशेष सिकुड़ जाती है तथा गर्मियों में भी अधिक नहीं फैल पाती। अब इस चित्र के अंदर आप देखिए, पहली जो स्तंभ इसमें देखने को मिल रहा है वो जून, जो कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का टाइम होता है, उसमें आप देखिए भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ में निम्न वायुदाब की पेटी खिसक गई है। और इसी प्रकार से जो कर्क रेखा है उसमें भी उच्च वायुदाब की पेटी ऊपर की तरफ में खिसक गई है। बीच वाले स्तंभ में अगर देखें तो ये पेटी
अपनी सही स्थान पर है, जो बीच में है भूमध्य रेखा पर, वो 5 डिग्री दक्षिण से 5 डिग्री उत्तर के बीच में निम्न वायु दाब देखने को मिल रहा है, और उत्तरी गोलार्ध में जो है ये पोजीशन भी उच्च वायु दाब की सही देखने को मिल रही है। जबकि तीसरा स्तंभ है वो है दिसंबर माह का, जबकि शीत ऋतु, इसमें उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन हो चुका होता है, या सूर्य दक्षिणायन की पोजीशन में होता है, तो वायु दाब की जो पेटी है वो भूमध्य रेखा से नीचे की ओर खिसक गई 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, और जो मकर रेखा के ऊपर जो पेटी थी उच्च वायु दाब की, वो भी नीचे की तरफ में खिसक गई अपनी वास्तविक पोजीशन से। तो इस तरीके से वायु दाब पेटियों का वर्ष पर्यंत में मौसम के अनुसार, महीनों के अनुसार स्थानांतरण होता रहता है। भूपतल पर समदाब रेखाओं का ऋतुवार जो वितरण है, सॉरी, स्वरूप ऋतुवार समदाब रेखाओं के अध्ययन से अर्थ है, जनवरी और जुलाई महीनों में विश्व मानचित्र पर समदाब रेखाओं के वितरण स्वरूप को समझना। ऐसे वितरण स्वरूप के अध्ययन के समय वायुदाब के स्वरूप, तापमान का वितरण और पृथ्वी की गति, तीनों ही दशाओं को हम ध्यान में रखते हैं। जुलाई माह में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की दशाएं पाई जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसी गोलार्ध में स्थलखंड का अधिक विस्तार होने से सारे यूरेशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में विषुवत रेखीय निम्न भार फैलकर भूमि पर उपध्रुवीय निम्न भार तक मिल जाता है। इसी कारण उपोष्ण उच्च भार की पेटी महाद्वीप पर नहीं मिलती है, इसका विस्तार सिर्फ निकट के महासागरों पर ही पाया जाता है। यूरेशिया महाद्वीप के भीतरी भागों में उत्तरी भारत से बेकाल झील तक वायुदाब 998 से 1002 मिलीबार के मध्य एवं उपध्रुवीय सुदूर उत्तरी प्रदेशों में 1008 से 1013 मिलीबार के मध्य रहता है। उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार अर्जोस से सारगोसा सागर तक एवं कैलिफोर्निया से पश्चिम में प्रशांत महासागर तक पाया जाता है। इसी समय ध्रुवीय उच्च वायुदाब उत्तरी ध्रुव सागर एवं ग्रीनलैंड तक मिलता है, यह 1013 से 1020 मिलीबार के मध्य रहता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में तापमान ऊंचा रहने, सागर से स्थल की ओर नमी वाली पवनों के काफी दूर तक फैलाव से निम्न वायुदाब की दशा अधिक विकसित हो जाती है। अब आप ये जुलाई माह का क्षैतिज वितरण अगर देखेंगे आप, तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ में आप देखिए 1014 मिलीबार की रेखाएं देखने को मिल रही हैं, और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे वायुदाब के अंदर जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, फिर 1014 की पुनः रेखा देखने को मिल रही है हमें, और उसके नीचे 1026 की रेखा देखने को मिल रही है, 1020 की रेखा देखने को मिल रही है। तो ये आप देखिए कि इसके अंदर बीच बीच में उच्च वायुदाब के केंद्र हमें नजर आ रहे हैं। ये जो केंद्र है आप देखिए, ये उच्च वायु दाब का केंद्र हो गया, 1026 का जो घेरा बना हुआ है, फिर ये 1026 का एक घेरा यहाँ बना हुआ है भूमध्य रेखा के निकट, एक ये आपका अटलांटिक महासागर के बीच में घेरा बना हुआ है, ये सब उच्च वायु दाब के केंद्र बन जाते हैं। ये सहारा के मरुस्थल में एक निम्न वायु दाब का केंद्र बन गया, और ये जुलाई माह में उच्च वायु दाब का केंद्र भारत के ऊपर तिब्बत में, इसमें सारे क्षेत्र में बना है, ये भी जो पवनों को अपनी ओर खींचता है। ऐसे ही केंद्र दक्षिण गोलार्ध के अंदर ये हिंद महासागर में देखने को मिल रहा है उच्च वायु दाब का केंद्र, एक उच्च वायु दाब का केंद्र यहाँ अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के ऊपर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से ये हमारे को केंद्र देखने को मिलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भार मकर रेखा के आसपास सारी पेटी में फैला रहता है।
1000 से 1020 मिलीबार समदाब रेखाएं इस पेटी को घेरे रहती हैं। इन्हीं अक्षांशों में दक्षिणी हिंद महासागर में 1026 मिलीबार की समदाब रेखा मेडागास्कर के पूर्व में विस्तृत है। 55 डिग्री अक्षांश के पश्चात अंटार्कटिका के बर्फीले प्रभाव एवं पृथ्वी के उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी के संकरे क्षेत्र में विस्तार के कारण समदाब रेखाएं तेजी से आसपास आने से वायुदाब गिरने लगता है। 60 डिग्री अक्षांश के निकट 990 मिलीबार संभार रेखा एवं अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर 987 मिलीबार की संभार रेखा प्राय घेरा बनाए रहती है। बर्फीले दक्षिणी ध्रुव पर वायुदाब पुनः तेजी से बढ़कर 1030 मिलीबार तक पहुंच जाता है। जनवरी माह में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर सीधा चमकता है, अतः वहां ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय संपूर्ण यूरेशिया का वृहद स्थलखंड कठोर शीत के प्रभाव में रहता है, अतः यहाँ का वायुदाब तेजी से बढ़ने लगता है। मध्य एशियाई भाग समुद्री प्रभाव से वंचित रहने से एवं पर्वतीय प्रभाव से यहाँ का वायुदाब अधिक सघन हो जाता है। इससे उपोष्ण कटिबंधीय एवं ध्रुवीय उच्च भार के प्रदेश मिलकर उच्च दाब के सघन प्रदेश का निर्माण करते हैं। विश्व का सर्वोच्च वायुदाब 1035 मिलीबार दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी साइबेरिया में अंकित किया जाता है। यहाँ साइफन या वेज की भांति संभार रेखाएं घेरे रहती हैं। इस समय उपध्रुवीय निम्न वायुदाब सागरीय भागों पर आइसलैंड व ग्रीनलैंड के मध्य एवं एल्यूशियन द्वीपों के निकट पाया जाता है। न्यूनतम वायुदाब आइसलैंड 996 मिलीबार तथा एल्यूशियन 1002 मिलीबार द्वीपों पर रहता है। जो बात अभी हम कर रहे थे वो इस चित्र के अंदर दिखाई गई है कि किस तरीके से वायुदाब की संभार रेखाएं जनवरी के अंदर इसमें देखने को मिल रही हैं। आप देखिए कि ये जो इलाका है चीन और रूस का, इसमें उच्च वायुदाब का ये जो केंद्र बना हुआ है ये अपनी तरफ हवाएं खींच रहा है। ऐसे ही निम्न वायुदाब का केंद्र ये ग्रीनलैंड के निकट बन रहा है और इसी प्रकार का केंद्र जो निम्न वायुदाब का ये ब्राज़ील के अंदर देखने को मिल रहा है हमारे को। ये जो पोजीशन है ये पोजीशन इसकी हमारे को जनवरी माह में समदाब रेखाओं की देखने को मिलती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय विषुवत रेखा निम्न भार का प्रभाव मकर रेखा तक महाद्वीपों पर स्पष्टतः बना रहता है। यहाँ न्यूनतम 1008 मिलीबार का समदाब रेखा दक्षिणी ब्राजील एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को घेरे हुई होती है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भार 35 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट मुख्यतः महासागरों पर फैला होता है, जहाँ 1017 से 1020 मिलीबार की संभार रेखाएं उसे घेरे होती हैं। उपध्रुवीय प्रदेशों में अंटार्कटिका महाद्वीप एवं 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निम्न वायुदाब की पेटी विस्तृत रहने से यहाँ पुनः वायुदाब घटने लगता है। यहाँ की संभार रेखाएं 1008 मिलीबार से तेजी से गिरकर 990 मिलीबार तक पहुँच जाती हैं। 990 एवं 987 मिलीबार की जो संभार रेखाएं अंडाकार रूप में बर्फीले महाद्वीपों के चारों ओर फैली होती हैं। इसके पश्चात ध्रुवों की ओर पुनः वायुदाब बढ़कर लगभग 1020 मिलीबार तक पहुंच जाता है। ये जो विश्लेषण की हम जो बात कर रहे हैं ये जो अभी हमने मानचित्र देखे थे उसका ही विश्लेषण हमने किया है। अब है वायुदाब कोशिकाएं। जब संभार रेखाएं अंडाकार या प्राय गोलाकार अथवा वेज जैसी स्पष्ट आकृति बनाती हुई किसी क्षेत्र को घेरे रहती हैं तो उसे वायुदाब कोशिका या प्रेशर सेल कहते हैं। इन कोशिकाओं में जब वायुदाब निकटवर्ती भागों से काफ़ी कम पहुंच जाता है तो उसे चक्रवात कहते हैं, किंतु जब निकटवर्ती भागों से भीतरी भाग में वायुदाब अधिक रहता है तो उसे प्रति चक्रवात कहते हैं। ऐसी आकृति का अगला हिस्सा कई बार एक दिशा में वेज या साइफन उल्टे वी आकार का फैल जाता है जो मोटे तौर पर वृत्ताकार ही बना रहता है। इसी भांति जब दो उच्च भार के क्षेत्र कुछ दूरी पर स्थित हों एवं बीच में निम्न भार हो तो उस निम्न भार के संकरे क्षेत्र को कॉल कहते हैं। तो आज हमने
अपने इस व्याख्यान में वायुदाब के बारे में पढ़ा, वायुदाब की पेटियाँ, वायुदाब की जो पेटियाँ हैं वो सूर्य की वजह से या पृथ्वी की घूर्णन की वजह से किस तरीके से उत्तर या दक्षिण में खिसकती हैं, इनका हमने ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही वायुदाब की जो पेटियाँ हैं या वायुदाब जो है वो पृथ्वी की सतह पर वो क्षैतिज रूप में किस तरीके से वितरित रहता है जुलाई माह में और जनवरी माह में, उसका भी हमने आज अध्ययन किया। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। हम शीघ्र पवनों को लेकर आपके सामने